Hello my dear students, welcome to my channel. Today we are talking about a very very important topic. आज हम एक बहुत ही important topic को study करने जा रहे हैं. The topic is function. आज हम ये जानेंगे कि function क्या होता है, right? And with this, I will tell you a very very simple tool, right? So that we can find out that whether the given is a function or not. आप देख सकते हैं कि जितने भी YouTube की videos हैं, this video is totally different. You please watch it carefully to find whether this is a useful or not, right? So let's begin here. आपको पता होना चाहिए कि function क्या है, right? Function से सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि relation क्या होता है. तो students, relation it is a correspondence. Relation क्या है? Correspondence है. वो correspondence दो set के बीच में होती है, set A और set B. किसी ना किसी तरीके से set A का element set B के element से related होता है, right? अगर हम कोई भी कंडीशन दे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अगर हमारे पास x है तो a सेट में जो भी एलिमेंट होगा उसका स्क्वायर सेट b में जाएगा, राइट? आई एम सेइंग एनी एलिमेंट विच इज फ्रॉम हियर सेट a वी विल गेट द स्क्वायर इन द सेट b. सो दिस इज अ रिलेशन, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट दैट हियर जो हमारा रिलेशन होता है क्या वही फंक्शन है या कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन होती हैं जो फंक्शन कहलाते हैं, राइट? सो फंक्शन इज व्हाट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. रिलेशन ही है. रिलेशन में हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, राइट? एक कंडीशन गिवन होती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलता है. बट फंक्शन क्या है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का हमारा रिलेशन होता है जिसमें हम दो कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन. हर फंक्शन एक रिलेशन ही होता है, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. हर एक रिलेशन को आप फंक्शन नहीं कह सकते. तो मैम किस टाइप के रिलेशंस जो होंगे वो फंक्शन कहलाएंगे? वी विल अंडरस्टैंड इट, राइट? सो हियर अ फंक्शन इज रिलेशन फॉर विच ईच एंड एवरी इनपुट गेट मैप्ड टू वन एंड ओनली वन आउटपुट. ये हमारी स्टेटमेंट गिवन है, बट वी विल अंडरस्टैंड इट विद अ वेरी सिंपल वे. हम क्या करते हैं, ये देखते हैं रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा. कोई भी रिलेशन गिवन है, हम उसको फंक्शन कब कहेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड दैट इफ ईच इनपुट, हर एक जो इनपुट आपके पास है उसका एक आउटपुट हो, राइट? दोबारा समझे, अगर आपके पास कोई सेट ए है, राइट? आई एम टेकिंग सेट ए. तो सेट ए के कोरिस्पोंडेंस मुझे क्या मिलना चाहिए? एक एलिमेंट मिलना चाहिए, मींस एक इमेज मिलनी चाहिए. किसके अंदर? बी के अंदर. तो हम कहेंगे कि वो क्या होगा? हमारा फंक्शन होगा. फॉर दिस लेट्स अंडरस्टैंड द अनदर वन. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन. मेरे पास एक फंक्शन गिवन है. फंक्शन इज 0.25x³ प्लस 0.25x² माइनस 2x. मैंने उसका ग्राफ ड्रॉ किया, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इफ आई एम गिविंग इनपुट, जैसे मैं इसको इनपुट देती हूँ तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलती है? एक आउटपुट मिलती है. फॉर ईच इनपुट आई हैव वन आउटपुट. एक ही आउटपुट होना चाहिए. अगर दो आउटपुट होंगे वी विल नॉट कंसिडर दैट एज अ फंक्शन. हम उसको फंक्शन कंसिडर नहीं करेंगे. दोबारा समझ लीजिए, इफ आई टेक अनदर वन, लेट्स टेक द अनदर वैल्यू. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नाउ, राइट? सो हियर इफ आई टेक अ इनपुट, राइट, एंड देन वी गेट द आउटपुट. सो इनपुट दैट इज 1.16. इनपुट आपने वैल्यू दी यहां पर एक्स को 1.16, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट जो आ रही है दैट इज -1.59, राइट? तो एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है, दिस इज अ फंक्शन. नाउ अंडरस्टैंड दैट ईच इनपुट हैज वन आउटपुट. एक तो हमने कहा इनपुट की वैल्यू क्या आएगी, आउटपुट आएगा आपके पास. हम कह रहे हैं हर एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए, राइट? सो फॉर दिस आई एम टेलिंग यू हियर इफ आई कंसिडर अ सेट. आपने क्या किया? एक सेट ए कंसिडर किया, एक सेट बी कंसिडर किया. सेट ए के अंदर आई हैव एलिमेंट ए बी सी डी ई, राइट? एंड विद दैट आई हैव 1, 2, 3, 4, 5. ए के कोरिस्पॉन्डिंग वी हैव इमेज 1, बी के कोरिस्पॉन्डिंग इमेज है 2, सी के कोरिस्पॉन्डिंग 3 एंड डी के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है? 4. नाउ कैन यू सी एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी इमेज नहीं है. ई इज नॉट हैविंग एनी इमेज, मीन्स ई एक इनपुट है उसका को आउटपुट नहीं मिला. इट मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन, फर्स्ट कंडीशन. दूसरा,
अगर यहां पर ऐसा केस आए कि सी के दो आउटपुट आ जाए, राइट, दो आउटपुट आ जाए, दैट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर एज अ फंक्शन. सो वी हैव टू चेक टू कंडीशन फॉर गेटिंग दैट द गिवन इज अ फंक्शन और नॉट. द फर्स्ट दैट फॉर ईच इनपुट वी हैव अ आउटपुट एंड फॉर ईच इनपुट वी हैव अ वन आउटपुट. हर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या होना चाहिए, एक आउटपुट मिलना चाहिए. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल हियर. कैन यू सी अनदर ग्राफ, राइट? Here in this graph, we will check that whether the given is a function or not, right? So here, if we have one input, we get two output. एक input के हमारे पास दो output है. So is it a function? No, this is not the example of a function, right? So now, let's come to the short trick. मैं आपसे कहा था कि हम एक short trick सीखेंगे जिससे हम किसी भी फंक्शन को या रिलेशन को चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है, राइट? सो दैट वी विल टॉक अबाउट, दैट वी विल चेक विद द वर्टिकल लाइन टेस्ट. इसके लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट. वर्टिकल लाइन टेस्ट हेल्प अस टू फाइंड द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट. सो लेट्स टेक एग्जाम्पल हियर. सो व्हाट इज दिस टेस्ट? हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं, राइट? दिस इज अ वर्टिकल लाइन. सो विच लाइन? वर्टिकल लाइन दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस. हमने एक लाइन ली और उसको हमने वाई एक्सिस पे पैरेलल दिया, राइट? नाउ कैन यू सी दैट एज आई स्लाइड, एज आई टेक और पास थ्रू दिस वर्टिकल लाइन थ्रू द ग्राफ, यू कैन सी दैट इट कट द ग्राफ एट टू पॉइंट. इसने क्या किया, जो ग्राफ है उसको दो पॉइंट पर कट किया. अगर कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इट मींस दैट इज नॉट अ फंक्शन. आर यू गेटिंग? फॉर अ रिलेशन टू बी फंक्शन, द वर्टिकल लाइन टेस्ट सेज दैट द लाइन ओनली इंटरसेक्ट द ग्राफ एट सिंगल वन पॉइंट. अगर वो सिर्फ एक बार उसको कट करेगी तो हम कहेंगे वो फंक्शन हुआ,